रांची से गिरिडीह जाने के क्रम में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वागत किया। बता दें कि उन्हें बिरसा मुंडा की तस्वीर देकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी समस्याओं को दीपक प्रकाश को बताया। किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता, देखिए गिरिडीह जाने के क्रम में, सरिया जाने के क्रम में यहाँ पर सब लोगों से भेंट हुई और इन लोगों के ऊर्जा से मैं और उत्साहित होकर के पार्टी के काम में और तेजी से लगने वाला हूँ। यहाँ की ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा है, कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पार्टी में, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रेम और स्नेह हमको हमेशा मिलता है। अभी जो वर्तमान स्थिति है राज्य की बहुत ही भयावह है। बिजली की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए पूरे प्रदेश में और हजारीबाग भी उससे अछूता नहीं है। शुद्ध पानी घर तक पहुंचाने में सरकार असफल हुई है। केंद्र सरकार की योजना जल नल योजना पूरे प्रदेश में फेल हो चुकी है। बिजली की हालत जर्जर है और ये सरकार मुफ्त में घर घर शराब पहुंचाने की नीति बना रही है, जो मूलभूत समस्या है सड़क की, बिजली की, शिक्षा की, चिकित्सा की और कानून व्यवस्था का। ये सारे मामले में ये सरकार फेल है, विफल है और ये सरकार नहीं है सरकार। यूपी के चुनाव को किस एंगल से देख रहे हैं? पूरे यूपी में बाबा जी महाराज जी योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री और मोदी जी और योगी जी की जोड़ी फिर से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ की जनता का जन समर्थन मोदी जी और योगी जी के साथ है। वहाँ पर अति उत्तम प्रदेश इस बार फिर से बनने वाला है। कोविड को लेकर हजारीबाग में कोई इंतजाम नहीं है चुनसीएच में? पूरे प्रदेश में चरमराया हुआ है। कोविड कोरोना का कालखंड बहुत ही संकट का कालखंड है और इस संकट के कालखंड में यह राज्य की सरकार ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके लिए जो जांच। और इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में बिजली की स्थिति बेहद खराब है, इसका पूरा दोष राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार सिर्फ घर घर शराब पहुंचाने का कार्य कर रही है। बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ रही है। सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है।